हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को। तो आइए देखते हैं कि आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे PDF नोट्स या क्लास नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.org। यहाँ पर हमारी क्लास नोट्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के सेक्शन पर और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आपको ये पता चल पाए कि पर डे कितने वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। यहाँ होती है सभी बेटों की फुल डीपली क्लास। इसके लिए देखने के लिए आप आइए हमारी प्लेलिस्ट में, जहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज हर एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक नया सेक्शन ऐड किया है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं क्लिक हेयर फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस स्थान पर, इस येल्लो वाले पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप याद रखिए आप सीधे हमारे इस PDF का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आज एक नई चीज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। पिछले एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स एक साप्ताहिक रूप से मैं एक पंक्ति में आपको दे रहा हूँ, वन लाइन में, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से कवर करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जैसे हम डे टू डे कवर कर रहे हैं, ठीक है, डेली का तो कवर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या होगा जब एक हफ्ते का हो जाएगा तो मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, फिर जब 15 दिन का हो जाएगा तो एक साथ फिर से रिवाइज करा दूंगा, फिर जब मंथली आ जाएगा तो उसको मंथली भी रिवाइज करा दूंगा। तो जब एक ही चीज़ें 2-3 बार आपके दिमाग में जाएंगी ना, अपने आप याद हो जाएगा, चुटकी बजा के याद होगा फटाक से। और स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन बढ़ाकर जितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा किया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर याद रखिए 25,000 रुपये। याद रखिए राजस्थान में अभी नई सरकार बनी है और ये उनका द्वारा बढ़ाएगा जो पहला कदम है कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ा दिया। इस समय कितना हो गया, 25,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस सरकार ने सकरी जगहों के लिए 16 एम्बुलेंस बाइक लॉन्च किया है, उस सरकार का नाम बताना। मैंने पहले आपसे कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में चिकित्सा को लेकर के काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ की हॉस्पिटल व्यवस्था, इसके अलावा एम्बुलेंस संबंधी जो व्यवस्था है, ये सब काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले से। तो याद रखिए यहाँ पर एम्बुलेंस बाइक भी आ गया, बाइक एम्बुलेंस, और ये दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, RBI ने छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था को शुरू किया है। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी बट 1 लाख रुपए तक थी, अभी ये बढ़कर कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अभी एक नई प्रतिमा लगाई जा रही है, किसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नई प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका अनावरण होने वाला है कब, आपकी 12 फरवरी को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, और ज़रूरी भी है लगाया जाना। क्यों, क्योंकि सबसे लोकप्रिय अब तक के प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं, बट इनकी लोकप्रियता कहीं ज़्यादा हटके है लोगों से, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग लगाकर कितने पायदान पर पहुंच गया है, तो इसका है 36वां। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन चुका है, तो ऐसे याद रखिए हमारे, हाँ 36 का आंकड़ा, ठीक है, बुद्धि के साथ 36 का आंकड़ा, मतलब ऐसा नहीं खराब आंकड़ा नहीं, अच्छा आंकड़ा है, तो बुद्धि और 36 का आंकड़ा याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे, नहीं वो तो 36 का आंकड़ा हमारा उनसे, तो ऐसे करो बुद्धि से आपका 36 का आंकड़ा, ठीक है, याद करने का एक टेक्निक है बस। आगे देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है, उनका नाम क्या है, तो डेविड मल्च नाम है, ठीक है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हालांकि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ परमाणु टेक 2019 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, एक LPG वाला हो रहा है और एक परमाणु टेक, ये दोनों नई दिल्ली में हो रहे हैं, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो लाभ मिल रहा है वो कितनी भूमि तक किसानों को दिया जा रहा है, तो जिस भी किसान के पास 2 हेक्टेयर अथवा इससे कम की भूमि है उनको ये लाभ मिलेगा, और जिसके पास इससे ज़्यादा भूमि है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। अगला है, वह राज्य जिसके द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये असम का सरकार ने किया है, ठीक है। असम मतलब लोगों में असमान, ठीक है, यानी जो 29 राज्य में उसमें आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, और किया किसने, तो असम ने किया, असम मतलब असमान, ठीक है, तो याद रखिएगा 1 तोला सोना असमान, ठीक है, तो असम कर लीजिएगा।
वह स्थान जहां हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन, देखिए मैंने कहा कि एक परमाणु टेक वाला और एक एलपीजी सम्मेलन हुआ, ठीक है, एशिया एलपीजी सम्मेलन दोनों ही नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कालिया छात्रवृत्ति, तो कालिया वाली जितनी भी छात्रवृत्ति है उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा ने स्टार्ट किया है किसानों के बच्चों को देने के लिए, पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है और रिविजन भी हो गया। देखिए मेरा फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ ना आपको इतनी बार रिवाइज करा दूँ। करंट अफेयर्स क्या है यार, करंट अफेयर्स चुटकी में आप याद कर लोगे, डेली का पढ़ते जाओ, एक दिन पीछे का रिवाइज करते जाओ, हफ्ते में फिर से रिवाइज करो, 15 दिन में फिर से रिवाइज करो, महीने का फिर से रिवाइज करो, काम खत्म, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं स्पीड में थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा बहुत इसमें एकदम घुटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको याद हो जाए ये बड़ी बात है, आप सही उत्तर कर ले जाओ ये बड़ी बात है, ठीक है। वह राजनेता जिसने हाल ही में बाढ़ में लोगों को बचाने वाले केरल के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश किया है और एक लेटर भी भेजा है, ठीक है, तो याद रखिए किसने, शशि थरूर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। और जो आपके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इनकी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा आ चुकी है और उसमें इन्होंने आरबीआई क्या किया है, ब्याज दरों में कटौती किया, और भी कितने का, तो 0.25%। हालांकि जो कोई भी आता है वो इस तरह की कटौती करता है, बट क्योंकि ये इनका स्टार्टिंग है इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो 0.25 याद रखिएगा। वह टीम जिसने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है वो कौन सा राज्य है, तो विदर्भ राज्य था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा वर्जिनिटी टेस्ट को अपराध घोषित करने वाला कौन है, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐसा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला, वह सरकार जिसने वर्ष 1984 में कानपुर में हुए सिख दंगों को लेकर के विशेष जांच दल, जिसको एसआईटी हम बोलते हैं, गठन किया था, तो जाहिर सी बात है कानपुर का मामला है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया होगा, तो ये कोई भी बता ले जाएगा इतना, ठीक है। आगे, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एस्मा कानून लागू किया, देखिए एस्मा कानून में क्या था कि उसने रोक लगा दिया कि जो भी हमारे कर्मचारी वो हड़ताल पर 6 महीने तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, 6 महीने तक के लिए रोक लगा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। पेट्रोलियम सचिव यम कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश कौन बन गया है, तो हमारा भारत बन गया है। एलपीजी उपभोक्ता मतलब हम एलपीजी को उपभोग करने में, उसको यूज करने में सबसे आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, आगे का नंबर 2 पर हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत जल्दी पहला रैंक आने वाला है। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कौन सा है, तो 40वें नंबर पे है, जी सेट 31, ठीक है। वह राज्य जिसने डॉल्फिन की एक प्रजाति को राज्य का जलीय जीव घोषित किया वो कौन सा है, तो पंजाब। अभी आपको ये भी पता होगा दोस्तों, किसी नदी में जो है ऑक्टोपस देखा गया था, तो किस नदी में, तो नर्मदा नदी में देखा गया था हाल ही में ऑक्टोपस। हालांकि जो ऑक्टोपस वगैरह होते हैं तो समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, बट अभी हाल ही में देखा गया है नर्मदा नदी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और डॉल्फिन को एक प्रजाति को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा, रट लीजिए आपको याद होना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है वो किस तरफ खिसक रहा है, तो रूस की तरफ खिसक रहा है, और हर वर्ष शायद 55 किलोमीटर जो है खिसक रहा है, एक बार देखिएगा आंकड़ा उठा करके आप, ये है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और जरूरी है इस तरह के प्रश्न के बारे में आपको जानकारी रखना। वह सरकारी मिशन जिसका लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ किया गया है, ये किस मिशन के तहत किया गया, तो दीनदयाल अंत्योदय मिशन, याद रखिएगा ये, क्योंकि कमजोर वर्ग की बात करें तो अंत्योदय, याद रखिए अंत्योदय से मिला लीजिए कमजोर वर्ग, ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जयपुर, कोटा तथा अलवर में 11-12 फरवरी के दौरान इस नाम से आपदा राहत अभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा, तो कौन सा है, तो क्योंकि आपदा है तो आपदा से राहत, तो याद रखेगा राहत, ठीक है, आपदा राहत, आपदा राहत याद हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, 6 फरवरी 2019 को देश के जाने माने जितने कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार करेंगे, मतलब प्रदान करेंगे, कितने लोगों को, तो याद रखिए 42 लोगों को, 42 लोगों को, ठीक है, यह अकादमी पुरस्कार मिलने वाला, तो इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट मैं आपको दूंगा जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो लिस्ट तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए तो याद रखिए, क्योंकि यह एक दो तीन बातें यहाँ पर याद रखेंगे आप, एक तो 2017 का बटा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2017 ये चल रहा है, 2019 2 साल पहले का, 2017 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखिए, 42 लोगों को दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदानों में जमीन के नीचे
सुबह 6 बजे से शाम की जितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी हो, मैक्सिमम टाइम क्या है तो 7 बजे तक, ठीक है। तो वैसे भी याद रखिए अगर सुबह 6 बजे से तो 7 ही मैक्सिमम टाइम है, कि सुबह 6 से अधिकतम 7 तक करेंगी, इसके अलावा फिर इसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ये रूल्स रेगुलेशन आ गए, केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए गए, या काफी अच्छा है। आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार वचन पत्रों के वादों पर अमल करते हुए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा घोषित उद्योगों में जितने प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया, वो क्या है। हालांकि अभी इस मैटर पे काफी सारा बवाल भी हुआ था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, बट ये चीजें चलिए ठीक है, जरूरी भी है, क्योंकि जो भी स्टेट है वहाँ पे भी बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में बाहरी स्टेट के लोगों को वहाँ पे नौकरी देना, अपने लोगों को ना देना, ये थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है, भाई वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में अब क्या हो गया कि वहाँ के जो भी उद्योग हैं उसमें अब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब MP के जो नागरिक हैं, ठीक है, लोकल वहाँ के, उनको 70% तक रखा जाएगा, बाकी 30% में मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार हेतु जिस नाम से पेमेंट चैनल का गठन किया उसका नाम क्या है, तो इंस्टेक्स नाम है। क्या नाम है? इंस्टेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पक्का आएगा। देखिए क्या है ना कि जो भी देश ईरान के साथ अपने संबंध बनाता है, व्यापारिक संबंध, उस पर अक्सर करके आपने देखा है कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से प्रतिबंध लगा ही देता है, ठीक है, भारत को छोड़ करके, भारत थोड़ा सा हटके इस समय चल रहा है, तो याद रखिए। तो अभी क्या है ना कि यूरोपियन देश जो है ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको प्रतिबंध से बचना है इसलिए उन्होंने एक अपने पेमेंट चैनल का गठन किया जिनका नाम क्या है, इंस्टेक्स, तो अच्छा है। और नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाशगंगा एक खोजी गई है, उसका नाम क्या है, ड्वार्फ आकाशगंगा है। वेदिनी वन, क्या नाम है, वेदिनी वन, तो वेदिन या वेदिनी वन, ठीक है, बौनी, बौनी से बे से बौनी, बे से वेदिनी, याद रखिएगा। केरल में किस कीटनाशक के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, तो एंडोसल्फान, क्या नाम है, एंडोसल्फान, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। याद रखिए केरल में इस कीटनाशक के खिलाफ अभी बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था और अब जाके ये आंदोलन जो है समाप्त हुआ है, तो एंडोसल्फान याद रखिएगा। पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को दोस्तों कैंसर डे मनाया जाता है, दोनों याद रखिएगा, ये आर्द्र भूमि दिवस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा 2 फरवरी। आगे है, नागरिकता विधेयक 2019 के विरोध में जिस मणिपुरी फिल्मकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया, अभी तो हाल ही में बटा यार, 1 महीने भी नहीं हुआ इसको बटे हुए, और तब तक अपना पद्मश्री पुरस्कार भी लौटा दिया, ठीक है, याद रखिए, ये अरिबन अरिबम श्याम शर्मा ने, किसने, अरिबम श्याम शर्मा ने नागरिकता विधेयक 2019 के विरोध में मणिपुरी फिल्मकार थे ये, और इन्होंने लौटा दिया अपना पद्मश्री पुरस्कार। विश्व कैंसर डे देखिए आ गया, 4 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, क्या एम्स, एम्स की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर किया जाएगा, तो हरियाणा का अच्छा जगह है रेवाड़ी, ठीक है, वहां पर एक नया एम्स बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह स्थान जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 3,000 से 4,000 मीटर ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी इस ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया, वो कौन सा जगह है, तो याद रखिए लद्दाख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। अमेरिका और रूस ने हाल ही में जिस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की, उस संधि का नाम क्या है, तो INF नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। INF, IMF मत कर दीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, INF दूसरा है, ये परमाणु संधि है, ठीक है, इंटरमीडिएट करके इसका नाम है, तो इसको याद रखिएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर ये क्लास नोट्स जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है या इस तरह के PDF आपको चाहिए तो आप इस लिंक में भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ से जा करके जो भी क्लास नोट्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स का नोट्स है, साप्ताहिक हो गए, वीकली, मंथली, जो भी हैं वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ उसको शेयर करिए ताकि और भी भाई बंधु देख पाएँ, और बहुत कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट को लेकर के आपको बताया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आप कर लो, और मेरा मेन फोकस जो है वो करंट अफेयर्स ना पढ़ाना है बल्कि करंट अफेयर्स को कैसे आपको याद कराया जाए, ठीक है, ये बड़ी बात है। करंट अफेयर्स पढ़ने वाले बहुत साइट हैं, बहुत चैनल हैं, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे चैनल हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका फोकस इस बात पर होता है कि हम जल्दी से याद कैसे करा दें। पढ़ना नहीं उचित बहुत बड़ी बात है, याद करना बहुत बड़ी बात है, और क्रीम क्रीम करंट अफेयर्स को छांट करके उनको याद करना ये बड़ी बात है ताकि आप अपने एग्जाम में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सको, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट किया गया, तो इसको आप जरूर से देखिए, और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको भी पूरा देखा करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।